हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज आप सभी के लिए प्लेटिना 110 का एक न्यू कलर ले गया हूं मैं। और भाई, इस बाइक के अंदर आपको टोटली तीन कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, अपना ब्लैक ग्रे, ब्लैक ब्लू एंड अपना एक ये ब्लैक पिंक कलर आप इसे कह सकते हैं। 110 कम्फर्ट एक के यहाँ पर आपको बेजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी शानदार बाइक रहने वाली है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे इस बाइक की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन डिटेल रिव्यू की। इसी के साथ साथ जानेंगे इस बाइक का माइलेज क्या रहने वाला है एंड इस बाइक के इंजन की स्पेसिफिकेशंस। बात करें अगर फ्रंट एरिया से तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पूरा लुक्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस बाइक के। काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको हैलोजन के अंदर लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा एंड ऊपर की तरफ आपको LED के अंदर DRLs देखने के लिए मिलेंगे। हेलोजन के अंदर काफ़ी बढ़िया थ्रो आपको निकाल कर देगा। बात करूँ अगर इस बाइक के इंडिकेटर्स की तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हेलोजन के अंदर पूरा सेटअप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एंड अगर बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा और आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड निकाल कर देता है। एंड यहाँ पर आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग की बेजिंग भी दी गई है जो कि आपकी हेल्प करेगी ब्रेकिंग में एंड सेफ्टी में। 80x117 inches का यहाँ पर आपको टायर साइज देखने के लिए मिल जाएगा एंड ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। वहीं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी बढ़िया अपने रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको नकल गार्ड से आप कह सकते हैं हैंड प्रोटेक्टर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि भाई एक्सीडेंट के समय आपके काफ़ी ज़्यादा काम आता है एंड ये एक प्रैक्टिकल एसरीज मानी जाती है। बात करूँ अगर इस बाइक के फ्यूल टैंक की तो यहाँ पर आपको 10.5 liter का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको प्लेटिना की बेजिंग दी गई है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक टैंक पेड भी देखने के लिए मिल जाएगा प्लास्टिक के अंदर। एंड काफ़ी शानदार ये कलर मेरे को देखने में लग रहा है। एंड अगर बात करूँ ओवरऑल इस बाइक के हैंडल की तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पूरा हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइट का स्विच देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपको सेल्फ का स्विच दे रखा है। हाफ सेल्फ में यह गाड़ी और इजीली स्टार्ट हो जाती है। पूरा क्रोम के अंदर यहाँ पर आपको हैंडल बार देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको आगे की तरफ पासिंग का स्विच दे रखा है, लो बीम हाई बीम एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ। इसी के साथ साथ नीचे आपको सिंगल हॉर्न का ऑप्शन दे रखा है। काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको इग्निशन देखने के लिए मिलता है मैनुअल। इसके अंदर आपको 120 की टॉप स्पीड दे रखी एंड इसी के साथ यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, न्यूट्रल लाइटिंग मिल जाएगी, अपनी माल फंक्शन लाइटिंग का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली है। बात करोगे इस बाइक के इंजन की तो यहाँ पर आपको 115.45 cc का DTSI नेचुरल एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि आपको 8.60 PS की पावर 7000 RPM पर प्लस 9.81 Nm का टॉर्क 5000 RPM पर निकाल के देता है। बात करूँ अगर इस बाइक के माइलेज की तो ये इजीली आपको 70 तक का माइलेज निकाल देगी। 65 से 70 KMPL का ये आपको माइलेज इजीली निकाल कर देगी। एंड इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने के लिए मिल जाएगी। एंड भाई, इस बाइक के अंदर प्लेटिना 110 के साथ साथ कम्फर्ट टेक की भी बेजिंग जुड़ती है तो ये एक कम्फर्टेबल बाइक है, कम्फर्टेबल राइड ये आपको निकाल कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 कम्फर्ट टेक की यहाँ पर आपको बेजिंग दे रखी है। रियर लाइटिंग सेटअप की अगर बात करूँ तो हैलोजन के अंदर यहाँ पर आपको रियर का लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी हैलोजन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइट के नीचे एक आपको रिफ्लेक्टर भी दे रखा है। बात करूँगा इस बाइक के सस्पेंशन की तो रियर के अंदर यहाँ पर आपको ट्विन स्प्रिंग नाइट्रोक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एंड्योरेंस के आते हैं एंड काफ़ी इजी, काफ़ी बढ़िया वर्क ये आपको करके देते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल राइड ये आपको निकाल कर देंगे। रियर में भी आपको 80x100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा एंड ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर में दे रखा है। पीछे की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक एंटी ब्रेक सिस्टम का जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था वो सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। आगे का पीछे का ब्रेक प्रेस करेंगे तो आप इजीली आगे और पीछे दोनों ब्रेक को कंट्रोल करेंगे। बात करूँगा इस बाइक की ओवरऑल प्राइसिंग की तो इस बाइक की ऑन रोड कॉस्टिंग है जयपुर के अंदर 84,456 rupees यानी 84,456 rupees। तो भाई, इस प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक रहने वाली है, काफ़ी इजी एंड काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस बाइक रहने वाली है। अब भाई, कुछ अगर इस बाइक के प्लस पॉइंट्स की बात करूँ मैं इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले तो है जो इसका बड़ा प्लस पॉइंट है माइलेज। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको नाइट्रोक से सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरा है, इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर दे रखे हैं एंड
काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड कुशनिंग सीट यहाँ पर आपको दे रखी है जो कि आपकी राइड को और ज़्यादा इजी बना देता है भाई। 84,000 के अंदर और क्या लोग यार, इतना बढ़िया प्राइस पैकेज एंड इतना शानदार पैकेज बजाज आपको निकाल कर देता है। इस बाइक के अंदर आपको 100cc में भी वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक टॉप वेरिएंट आता है अपना डिस्क ABS के साथ में, जो कि फर्स्ट बाइक है इंडिया की जो कि ABS सिस्टम आता है 110cc के अंदर। एंड अगर इस बाइक के रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड अगर आपको इस बाइक के अंदर या फिर इस बाइक में और ABS बाइक में डिफरेंस देखने हैं, कंपेरिजन वीडियो चाहिए, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।